तो ये बहुत सारे मैं देखता भी हूँ तो का उनके बच्चे भी, जवान हो हैं। लेकिन वो भी, भी, भी बैठी खबरें पढ़ रही हैं यूजली यही होता है कि एक किसी को मॉर्निंग शो मिल गया लगी हुई है दस दस साल से आग तो का कम्फर्ट जोन से शायद बाहर नहीं आते चाहते शायद डर हमारे यहाँ यहाँ पे नौकरियों का या अगर मीडिया इंडस्ट्री की बात करें तो लोग एक चैनल से दूसरे चैनल पे जाते हुए भी बड़ी दफा सोचते हैं कि यार जाएंगे तो पता नहीं बन पाएगी नहीं बन पाएगी सो कंफर्ट जोन से निकलना बहुत जरूरी होता है जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलते तब तक आप कुछ अचीव नहीं कर सकते डेफिनेटली सो अगर आपने कुछ अचीव करना है तो फिर आपको चैलेंजेस भी लेने पड़ते हैं आपको रिस्क भी उठाने पड़ते हैं आपको अपने कम्फर्ट जोन से भी बाहर आना पड़ता है तो जिन जो लोग अपने कंफर्ट जोन में बैठते हैं बैठे हैं कि वो उनको कह रहे हैं ठीक है यार हमारी दो वक्त की रोटी चल रही है सुकून है स्क्रीन भी मिली हुई है तो वो बैठे हैं आज भी वो तो वो अपने कंफर्ट जोन में बैठे तो आपको बेसिकली थोड़ा सा अपने आप को हिलाना जुलूना पड़ेगा अगर आपको वाकई कुछ, कुछ लाइफ में मैं, मैं वही कह रही हूँ कि मैंने छह साल सात साल में जब डेली पाकिस्तान पर रही तो मैं हुँ. अपने कम्फर्ट जोन में रही सो so, मैं उसको ये समझती हूँ कि वो भी ये नहीं था हाँ कि मैं डर 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 रही थी या मैं जाना नहीं कहीं जा रही थी मैं ये कहती थी कि हाँ मेरा एक टाइम है मैं उस टाइम तक मैं रहूँगी जब तक मैं अरूसा खान नहीं बन जाती या जब तक मुझे लगता है कि हाँ फिर जब मैंने समा क्या मुझे आया तो मुझे पता था कि मैं नहीं रह पाऊँगी समा में ज़्यादा टाइम नहीं रह पाऊँगी तो मैं डेढ़ महीने मैं बाद मैंने ख़त्म कर दिया हाँ ये है जरूर कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट के तहत तो उनसे कहा था कि जो सैलरीज आप दें तो तीन महीने चार महीने की सैलरीज उन्होंने मुझे कर दी लेकिन आ, मैं एक निकली कम्फर्ट जोन से डेली पाकिस्तान से मैं आई मैंने समा वाला उठाया रिस्क मैं नहीं बन पाई मेरी तो मैं एक मेंटली हर चीज को प्रिपेयर करके निकली थी सो मुश्किल नहीं है